रात यही माहौल बनाए रहे, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा यही माहौल बनाए रहे। आइए आपका एक नहायत पसंदीदा शायर, आपका अपना शायर जनाब मोहतरम मौलाना दिलशाद नजफी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ ले आए, यही माहौल बनाए रहिएगा। इसके बाद इंशाल्लाह आपको सुनना है जनाब मोहतरम मारूफ सिरसवी साहब, जनाब सलीम बलरामपुरी साहब, जनाब जफर आजमी साहब, मौलाना नदीम असगर साहब, मौलाना मेराज मंगलोरी साहब, ये शोरा इकराम को सुनना है। इस वक्त माइक पर जनाब मोहतरम मौलाना दिलशाद नजफी साहब, बाबा से बुलंद नारे सलावा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, आप सबको जश्न मुबारकबादी पेश करता हूँ। अपनी तरफ से और आप सब की जानिब से इमाम ज़माना जल्ला तआला फ़रजहु शरीफ़ की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुशनूदी इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुलंदतरीन सलावात। न जान बूझ के मुझसे न भूल से पूछो, न जान भूल से पूछो, चमन में खार हैं कैसे ये फूल से, उनसे कहेंगे बुतूल से। हज़रात एक मतलब तो तीन शेर मुरादा फरमा लें ममदू के हवाले से, पाँव तो बाकी ही मेरे क्या हुआ जंजीर का। मतलब शेर खार के हवाले से सोचता था हुरमुला क्या होगा अब इस तीर का, सोचता था हुरमुला क्या होगा अब इस तीर का, सोचता था हुरमुला क्या होगा अब इस तीर का, हौसला इतना जवा है असगर बेशीर। शेर आपकी नजर कर रहा हूं, शाम कूफा को भी मिसमार कर सकता हूं मैं, शाम कूफा को भी मिसमार कर सकता
जो न जाने जान ले बेटा हूँ मैं शब्बीर का। तो जुल्म से कहते थे आबिद क्या हुआ क्यों थक गया, जुल्म से कहते थे आबिद क्या हुआ क्यों थक गया, पाओ तो बाकी है मेरे क्या हुआ जंजी। जलते खैमे से बचा लाई इमाम वक्त को, जलते खैमे से बचा लाई इमाम वक्त को, हौसला लिखिया है मुअल्लिख ज़ैनब दिल की। बहुत शुक्रिया हजरत। एक मतला चंद शेर हाजिर खिदमत करता हूँ। सरकार रायते दीने पैम्बर है अलमदार के हाथ, मुलादा फरमाए बतौर और मजबूत हुए अहमद मुख्तार के हाथ, और मजबूत हुए अहमद मुख्तार के हाथ, और मजीद जब एताती में बढ़े हैदर करा। शेर नजर कर रहा हूं बतौर खास देखिएगा भाई। जब एताती में बढ़े हैदर करार के हाथ, इसलिए अरे बांधी कर आ गए सज्जाद सितमगा। इसलिए फिर कभी उठा नहीं बाती का सवाल, बांध कर आ गए सज्जाद सितमगार के हाथ। बहुत शुक्रिया हजरत। ये शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं बतौर खास। कहीं दरी बारी उलट दे ना ये खैबर की तरह, कहीं
लिए बांधे सितमगार ने बीमार। कहीं दरीबारी उलट दे ना ये खबरी की तरह, इसलिए बांधे सितमगार ने बीमार के हाँ, इसलिए बांधे सितमगार ने बीमार के हाथ। एक मतला है आजादारों के हवाले से बतौर खास, गैर के आगे नहीं फै सिर्फ परचम ही उठाएंगे वफादार। सिर्फ परचम ही उठाएंगे वफादारी के हाथ। रायते दीने पयंबर है अलमदार के हाथ, बस यही सोच के दरिया से उठा लाए हुसैन, बस यही सोच के दरिया से उठा लाए हुसैन। रायते दीने पयंबर है अलमदार के हाथ। देखना हशीर में दिलशादी कहेंगी जहरा, अंबिया चूमने आए आजादार के हाँ। तबर्रुक के हवाले से एक शेर याद आ गया बतौर खास, उसके हमरा सुलेमान भी फैलाए मिले, उसके हम दो तीन बंद पढ़ देता हूँ आपकी फरमाइश है बतौर खास। बहरहाल सरकार ये
हमारे शिबू भाई जो है बहुत ये समझ लीजिए कि बेपनाह मोहब्बत करते हैं हमसे, और जो है इनका हुक्म है, मैं पढ़ना तो नहीं चाह रहा था क्योंकि बहुत माशाल्लाह से बहुत मुसद्दस कई जगह पढ़ चुका हूँ। हर आदमी यही सोचता है कि मौलाना दिलशाद साहब आते हैं तो खाली यही लेके आते हैं, इनके पास कोई दूसरा है ही नहीं, एक साल बाद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरत हुक्म तामिल हुक्म में हाजिर कर रहा हूँ। मेरा पास गाजी अब्बास मानिए रिफुअते इशारो वफा है अब्बास, जज्बो हौसले शेर खुदा है अब्बास, रूहे सासे रसूल सारा है अब्बास, यानी अल्लाह के मकसद की बका है अब्बास, रास्ता रहबर रास्ता रहबर इस्लाम का रुकने न दिया, कट गए हाथी आलमगीर का झुक खोले अब्बास, नहर की सिमत बढ़े अजुम को तोले अब्बास, जुल्म बोला कि नौंगली भी भिगोले अब्बास, ये सदा सुन के सितमगारों से बोले अब्बास, इस निगर प्यास
बजबान ममदू मौला अब्बास बन मुलादा फरमाए हजरात। इस नशे पाऊं तो दरिया को उठा कर लाऊं, इस नशे पाऊं तो दरिया को उठा कर लाऊं। मेराज भाई, भाई मैं भी सुन रहा हूं। इस नशे पाऊं तो दरिया को उठा कर लाऊं, हाकिमे शाम को मैं शाम से जाकर लाऊं, तशनगी नहर के अंदर से बचा कर लाऊं, तेग की प्यास अभी खून से बुझा कर लाऊं, हो इशारा को बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हजरत। बस दो बंद और पढ़ता हूँ, आपकी मोहब्बतों को सलाम मुलादा फरमा ले। मेरा बास गाजी अब्बास, मैं जो एजाज दिखाऊं तो ये नक्शा बदले, अर्श पे फसल उगे फर्श पे सूरज निकले, नहर से गर्द उड़े संग से चश्मा फूटे, आग पानी में लगे आग से पानी निकले, घूर के देखूं तो तुम सब पे ममता जाए, मेरे टूटे हुए नैजे पे फुरा। आखिरी बन हजरात मुलादा फरमा ले। पूरे मक्तल को एक उंगली पे नचा सकता हूँ, तुम जो मर जाओ तो ठोकर से जिला सकता हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, तुमको अबरू के इशारे से भगा सकता हूँ। हाँ